तो ऑलरेडी हम लोग गो चार्टिंग पे हैं, रिप्ले मोड में हैं। आज 25 जनवरी का हम लोग देखेंगे। बैक टेस्ट में चलते हैं, निफ्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले मंथली एक्सपायरी भी था और आजकल तो मार्केट कुछ ज्यादा ही वोलेटाइल भी चल। 9:30 से देखना शुरू करते हैं, 9:30 को क्या क्या दिख रहा है, पहले क्या क्या दिख रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे पहला दिख रहा है कि 400 पे सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस 500 पे दिख रहा है। इन दोनों बीच के लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं आगे, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या दिख रहा है। अभी डायरेक्टली 500 से शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस जहां पे दिख रहा है वहां से ड्रॉ कर लेते हैं। हॉरिजेंटल लाइन 500 के लेवल आ गए हैं, ठीक। अब 400 के लेवल करेंगे, 450 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। 400 के सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ करेंगे, इतना लाइन पहले ड्रॉ कर ली। पता नहीं क्या होगा, रेड बॉक्स सबसे पास जो दिख रहा था, या यहाँ ऊपर देखें 500 रेजिस्टेंस दिख रहा है, 400 सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस से सपोर्ट के बीच में सारे लाइन ड्रॉ कर ली। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं, आगे क्या क्या लाइन बनेगी वो देखेंगे। अब इसके बाद दूसरी बात रहती है कि हम लोग येलो बॉक्सेस देखते हैं। यहाँ पे 99 99, यहाँ पे 78 78, ऐसा कुछ दिख रहा है, 76 87, क्या क्या हो सकता है। अगर वॉल्यूम यहाँ 500 पे आ रहा है तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो आई अगर 500 पे आ रहा है फिर भी रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो स्ट्रांग ही बना देगा। लेकिन वहीं अगर 450 पे वॉल्यूम आ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा 450 पे। अगर ओ आई चेंज 400 पे आ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा 400 पे, ठीक। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए, इतने सारे येलो बॉक्सेस में ये दो इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आप थर्ड हाईएस्ट को हाइड करके रखे हैं तो आपको ये वाला कलर नहीं दिखेगा, ये वाले पे हाईलाइट नहीं दिखेगी, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये, यही दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आएगा तो ओआई चेंज का साथ देने के लिए ही। ओआई चेंज ऑलरेडी 500 के रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है। तो इन दो बॉक्सेस को देखेंगे, इनके परसेंटेज डिक्रीजिंग रहे तो रेजिस्टेंस साइड से मार्केट पे बेयरिश प्रेशर होता है। वहीं पे अगर ये नीचे आ गया ये नीचे आ गया तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ओआई चेंज ऑलरेडी यहाँ पे है और ये डाउन में कहीं पे भी कोई वीकनेस नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ 60% है तो एक प्रिकॉशन के तरह हम लोग इसको भी देख लेंगे। अगर ये इंक्रीजिंग रहा और उसके साथ साथ ये दोनों भी इंक्रीजिंग रहे तो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट 300 की तरफ आ सकता है, ये भी बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा मार्केट पे। ये सपोर्ट का बेयरिश प्रेशर होगा, ये रेजिस्टेंस का बेयरिश प्रेशर होगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट काफी तेजी से काफी नीचे तक आ सकती है। कहाँ तक, तो 300 तक, 250 तक या 300 तक भी आ सकता है। एक एक करके वेरीफाई करते हैं। इंपॉर्टेंट येलो बॉक्सेस कौन था, 450 का वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम को यहाँ देखेंगे, बाकी किसी का काम नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है, सुबह सुबह यहाँ पे अगर देखें तो 79% था, डिक्रीज हुआ, वापस से इंक्रीज हो रहा है, तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, स्लोली इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक तरह का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कहाँ पे, 450 पे। रेजिस्टेंस ऑलरेडी 500 पे है ओआई चेंज की वजह से, 450 पे आ सकता है वॉल्यूम की वजह से। ये हो सके तो पहले 500 पे आए फिर यहाँ से 500 से 450 पे आए, लेकिन 500 पे आएगा तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, 450 पे आएगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। तब मार्केट का रेंज क्या हो जाएगा, 450 के रेजिस्टेंस, उससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अब ओआई चेंज को देख लेते हैं। ओआई चेंज इसमें भी आके दूसरे का परसेंटेज देखने का जरूरत नहीं, एक सफिशियंट है अकेला ये, और ये इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केट का ओआई चेंज का प्रेशर कहाँ पे है, 400 पे। अब यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, 500 पे रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस 450 या 400 कहीं पे भी जा सकता है। जब तक कंप्लीट शिफ्टिंग किसी स्ट्राइक प्राइस पे नहीं होती है तब तक उसके बीच के लेवल रहते हैं। अभी पे सबसे नजदीक कौन सा है मार्केट के, तो ये दोनों हैं, ठीक। अब उसमें से भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे में भी कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जो वॉल्यूम है ना 99% यहाँ पे है, तो पहली प्रायोरिटी ये तो शिफ्ट करेगा 500 पे, उसके बाद ये 450 पे शिफ्ट करेगा, लेकिन ओआई चेंज डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, तो 400 पे। तो ओआई चेंज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ओआई चेंज क्या बोल रहा है, 400 पे मैं जा सकता हूँ, रेजिस्टेंस को 400 पे ले जा सकता हूँ। मार्केट हमारे लिए अब पुट साइड से बेरिस, सॉरी कॉल साइड से बेरिस है, मतलब रेजिस्टेंस साइड से बेरिस है। पुट का ट्रेड अगर मिलना है तो 400 के रेजिस्टेंस से रिस्की वाला पुट, 450 के रेजिस्टेंस से सेफ वाला पुट, ठीक। मोस्ट ऑफ द केसेस में 450 के रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट नहीं जाती है, लेकिन वर्स सिचुएशन में मार्केट कहां तक जा सकती है, तो 500 के रेजिस्टेंस तक जा सकती है। इससे ऊपर अभी नहीं दिख रहा है, अभी 450 के ऊपर ही नहीं दिख रहा है। अगर वर्स केस में गई भी तो कहां, 500 तक जा सकती है, पॉसिबिलिटीज हो है।
जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि 450 तक ही जाए। इन सब येलो बॉक्सेस को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इन पे 100% हो भी गया तो मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट जनरली ये स्पॉट प्राइस है ना, उसके आसपास ही जो भी एक्टिविटीज करता है वो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। एक बात स्टैब्लिश हो गई कि रेजिस्टेंस का प्रेशर 400 पे है, मार्केट 450 के पुट से इस वाले लेवल से क्या कर रही है, पुट लेने का इंस्ट्रक्शन दे रही है। अब सपोर्ट को देख लेते हैं। सपोर्ट वैसे खास अभी नहीं भी देखें तो चलेगा, क्योंकि ये 60% है, कलर भी नहीं आए इसके। फिर भी देखते हैं, यहाँ पे तीनों देखना पड़ेगा, एक एक करके तीनों देखते हैं। ओवाई चेंज डिक्रीजिंग है, अब बाकी किसी को नहीं देखना है, जो सबसे कमजोर था वही और कमजोर होता जा रहा है, तो देखने की जरूरत नहीं है। हमारा सिचुएशन अब क्लियर है। क्लियर क्या क्या है, तो रेजिस्टेंस 400 पे और सपोर्ट 400 पे स्ट्रॉन्ग। मार्केट में अगर 400 का सपोर्ट मिलता है तो कॉल की बाइंग करेंगे, यही सिचुएशन में 450 की रेजिस्टेंस मिला तो पुट बाइंग करेंगे, 400 का रेजिस्टेंस मिला तो रिस्की पुट रहेगा। मार्केट इस लेवल से नीचे अभी नहीं दिख रहा है और 475 से ऊपर नहीं दिख रहा है, 475 76 ऐसे कुछ लेवल था, 77 का लेवल था शायद। ठीक, अब प्ले करते हैं, 9:30 तक वेट करेंगे। पहले सबसे नीचे आया कहाँ पे, 9:25 पे, इसकी कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई है, 9:30 पे भी नहीं हुए, लेकिन जो सुबह सुबह दिख रहा था 9:30 के आसपास, तो 10-15 मिनट पहले भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। यहां से कॉल, क्योंकि ये बॉटम था बिल्कुल, यहां से कॉल बन रहा था, लेकिन हमारे ट्रेडिंग टाइम से ये पहले हुआ है तो इसको नहीं लेंगे। अगला कैंडल ऊपर गई, नीचे आ गई, तो यहां से फिर से पुट नहीं ले सकते, क्योंकि कैंडल बहुत ज्यादा नीचे आ गई है। हम लोग यहां से भी पुट लेने के लिए तैयार है, यहां से भी लेने के लिए तैयार है, ये वाले लेवल मार्कर से करते हैं। हम लोग यहाँ से कॉल लेने के लिए तैयार हैं, यहाँ से पुट लेने के लिए, यहाँ से पुट लेने के लिए, यहाँ से पुट लेने के लिए। ये 100% लगभग 100% श्योर है कि नहीं आएगी, अगर यही सिचुएशन बना रह गया तो। ये अगर यहाँ से गायब हो जा रहे हैं तो हो सकता है मार्केट चली जाए, लेकिन ऐसे सिचुएशन ये बने रहे, ये परसेंटेज इंक्रीज होता रहा, तो ये यहाँ तो नहीं आएगा मार्केट। आ गया तो बिल्कुल घर बार बेच के पुट लेने वाला सिचुएशन। ये वाला सेफ पुट है, 100% नहीं बट सेफ है, ये वाला रिस्की पुट है, ये वाला रिस्की पुट है, यहाँ पे अपना रिक्स रिवार्ड रिक्स मैनेज करके पुट लेंगे। कॉल के लिए एक लेवल था, पुट के लिए तीन लेवल है, ये आए या ना आए उसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ से तो पक्का ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग पुट के लिए तैयार थे, लेकिन मार्केट क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई, दूसरी कैंडल बहुत नीचे लगभग टारगेट के आसपास आगे क्लोज की, तो लेने का कोई सवाल नहीं होता। दोबारा यहाँ से रिट्रेस करती है तो भले सोच सकते हैं कि हाँ पुट ले लेते हैं यहाँ तक के लिए, यहाँ पे गया तो पक्का पुट ले लेंगे, एक टारगेट और दूसरा टारगेट का कंटिन्यू गया तो। अब यहाँ पे नीचे आया, कब आया, 9:40, हम लोग यहाँ से कॉल लेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है कि नहीं। 9:40 पे चलते हैं, 9:40 पे, 9:40 पे सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, नीचे के परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 65% हुआ है 60 से, अगर ये अच्छे खासा रफ्तार से इंक्रीज हो रहा है तो रुक सकते हैं, नहीं तो कॉल ले लेंगे। यहाँ कुछ खास इंक्रीमेंट दिख नहीं रहा है, ओआई थोड़ी सी इंक्रीज हुई है 5% के आसपास, वॉल्यूम फ्लैट चल रहा है, वॉल्यूम का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको। यहाँ पे अगर शिफ्ट करना है तो तीनों का आना पड़ेगा, तीनों आएंगे तभी होगा, नहीं तो अभी मार्केट किसके रेंज में है, 400 के रेंज में है, तो ये वाला हमारे लिए कॉल का एक ट्रेड बनेगा। यहाँ अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस से प्रेशर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कॉल का पोजिशन ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ASL आया है तो यहाँ पे निकलना पड़ेगा, इस लेवल पे ASL आया है, जस्ट टच करके गई है, लेकिन निकलना पड़ेगा यहाँ, तो ये ASL आया निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मार्केट यहाँ पे नीचे आई, रिट्रेस करने कहाँ पे आई, तो 378 के लेवल को, कौन से कैंडल ने, 9:55 वाले कैंडल ने, 9:55 वाले कैंडल पे देखते हैं। 9:55 वाले कैंडल में काफी चित्र बदल चुका था, जब ये वाला कैंडल बन रहा था नीचे आके ऊपर गई थी, तो क्या हम लोग अवॉइड कर सकते थे क्या 9:45 वाले कैंडल पे, 9:45 वाले कैंडल पे अवॉइड किया जा सकता है, वीकनेस अब क्लियरली दिख रही है यहाँ पे 75%, 91, 75%। 9:45 वाली कैंडल की क्लोजिंग कब होती है, 50 पे होती है, वहां पे क्लियर हो चुका था कि इस वाले ट्रेड से हम लोगों को 9:45 के कैंडल के क्लोजिंग वाले ट्रेड से प्रॉफिट में निकलने का मौका था, ये इस वाले कैंडल पे हमको प्रॉफिट में निकलने का मौका था। क्यों था, क्योंकि हमारा सिचुएशन बदल चुका है, अब सिर्फ यहाँ पे वॉल्यूम बचा है, वो भी नीचे वीक हो गया है, बाकी सब ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो इनफैक्ट अगर हम लोग लाइव मार्केट में थे तो ये ASL नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये 9:55 वाली कैंडल क्लोज हुई, रिट्रेस करने आई, 9:55 वाली कैंडल ये क्लोज हुई है, 9:55 की स्टार्टिंग कैंडल जब रिट्रेस करने आई, तो यहाँ से पुट बनता है क्या, 9:55 पे देखते हैं। 9:55 पे मार्केट कहाँ तक का दिख रहा है ना, 350 के सपोर्ट तक का मार्केट दिख रहा है, हम लोग कहाँ पे है, तो 350 के रेजिस्टेंस पे है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 500 से 400 पे,
500 से 400 पे रेजिस्टेंस आ रहा है, सपोर्ट कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है 300 पे। अगर ये नहीं भी गया फिर भी मार्केट 350 के सपोर्ट तक तो आएगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 350 के सपोर्ट से, सॉरी 350 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई वाई देखने की जरूरत ही नहीं है, मार्केट का शिफ्टिंग ही दिखा रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है। 350 के लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, 329 का लेवल आ रहा है, मार्केट यहां तक के लिए टारगेट दे सकती है। अगर ये शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो 300 के सपोर्ट तक का टारगेट दे सकती है। ये वाला हमारे लिए शॉर्ट का पोजीशन होगा रिट्रेसमेंट पे। एक कैंडल आई, अब इस कैंडल पे तो बुकिंग कर लेंगे, दूसरे कैंडल ने रिट्रेस किया तो क्या वहां पे एंट्री कर सकते हैं वो भी देखेंगे। 10:15 में हम लोगों ने लाइव में क्या किया था, दोनों कैप्चर किया था एक ही मूव में, एक ही ट्रेड में। 10:15 पे देखते हैं डाटा को। 10:15 पे क्या है, वॉल्यूम सिर्फ अकेला ऊपर बैठा हुआ है, बाकी सब नीचे आ चुके हैं। मार्केट 300 तक जा सकती है, लेकिन 350 तक तो पक्का था, वो आ चुका है। ठीक, अब इस कैंडल की क्लोजिंग होती है 10:20 पे। 10:20 पे देखे तो अब हमारा लेवल भी दिख रहा है कि 300 पे शिफ्ट हो गई। क्यों हो गई, वाई चेंज 100% यहाँ पे है, मार्केट 400 के रेंज से बाहर आ चुकी है, तो ये कंटिन्यू किया जा सकता है। कहां तक के लिए, तो अगले 300 के सपोर्ट तक के लिए इसी ट्रेड को कंटिन्यू करे तो भी चलेगा। इस पे बुकिंग कर लिया, दूसरे रिट्रेसमेंट पे एंट्री करे तो भी चलेगा। दूसरे कैंडल ने रिट्रेस भी किया है, और इसके बाद अगर नहीं भी किया है ना, तो यहाँ पे दोबारा एंट्री का मौका भी मिला है। यहाँ पे मान लीजिए तेजी में मार्केट भाग गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बीच में तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर से एक बार रिट्रेस करने आई है 10:30, क्या वहां पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी पुट में है वो निकल सकते हैं क्या? 10:30 वाले कैंडल को देखते हैं। 10:30 पे अब क्या हो रहा है, यहाँ 95% हो गई है, सब नीचे चला गया, जिसके कारण से सपोर्ट दिख रहा है हमारा 400 का, जो कि 300 पे पक्का आ जाएगा, 96% हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो नहीं ट्रेड में थे उनके लिए एक मौका है एंट्री करने का रिट्रेसमेंट में। कहाँ तक के लिए, तो 300 के सपोर्ट के लिए, 300 के सपोर्ट। और अभी से यहाँ पे दिखने क्या लगा है कि 200 पे भी शिफ्ट हो सकता है। फिर से एक और बार मौका मिला, कब मिला, तो 10:40 पे, 10:40 वाले कैंडल पे भी देखेंगे। यहाँ तो अब प्रॉपर शिफ्ट हो गई, वॉल्यूम प्रॉपर शिफ्ट हो गई, वाई तो बहुत नीचे चले गए हैं, वीकनेस कहाँ दिख रही है, तो 200। अब इवन आप कंटिन्यू कर सकते हैं 250 के सपोर्ट तक के लिए, क्योंकि नीचे और वीकनेस दिख रही है, और इसको और कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं की जा सकती। यहाँ पे अगर रिट्रेस करती है तो कर सकते हैं, रिस्की रहेगा। क्यों, क्योंकि ये अभी भी 79% ही है, और हम लोग ये 250 मार्केट का बॉटम है, इससे नीचे मार्केट अभी जाएगा नहीं। आगे चलते हैं, वापस आई, यहीं पे घूम रही है, ये रिट्रेस करने आई, ऊपर निकली, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कैंडल, 11:10, हमारा बॉटम क्या था, 235 का लेवल था बॉटम। मार्केट कहाँ तक आई, 47 तक आई है, 10-12 पॉइंट छोड़ के गई है ये वापस, ठीक। आज पूरे लेवल पे आती तो बढ़िया वाला कॉल भी बनता, लेकिन पूरे लेवल पे नहीं आई, इसके कारण से कॉल नहीं बनेगा। अब ये रिट्रेस करने आई है, फिर यहाँ से पुट ले सकते हैं क्या, ये फ्लो में तो नहीं लिया, अब ले सकते हैं क्या, देखेंगे 11:10 पे, 11:10 पे, 300 पे, 300 पे सपोर्ट है। सपोर्ट की वीकनेस 200 पे दिख रही है, 82% है। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग रहा ना, तो हम लोग फिर से यहाँ से पुट का ट्राई कर सकते हैं, पुट का ट्राई कर सकते हैं। ये कैंडल जब वापस लेवल के आसपास आई थी, तो सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वॉल्यूम है, वो स्लाइटली इंक्रीजिंग ही है, तो एक सर्टेन रिस्क के साथ। एक्चुअली ये मार्केट का बॉटम पे ऑलमोस्ट आ चुकी है, आसपास आ चुकी है, तो वहां से पुट लेना बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, फिर भी लॉजिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है, पुट दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ से पुट बना देते हैं। हालांकि हम लोगों ने लिया नहीं था, और इसका ये SL यहीं पे आ जाएगा दूसरे कैंडल पे। इस बार 11:15 पे भी देखते हैं, 11:15 पे कुछ खास चेंज हुए नहीं है, वॉल्यूम अभी भी नीचे की तरफ वीकनेस ही है, तो यहाँ पे SL ही आएगा, उससे अलावा और कुछ होगा नहीं। अगला कैंडल देखते हैं, ये बड़ी सी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ से कॉल ले सकते थे क्या, नहीं ले सकते थे, डाटा नहीं बोल रहा था। 11:35 पे देखते हैं, 11:35 के आसपास, 300 पे अब वापस से सपोर्ट स्ट्रांग होने को आ रहा है, ठीक ना। तो मार्केट 300 के रेजिस्टेंस से ऊपर अब वापस जा सकता है, OI एंड OI चेन दोनों यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, मार्केट 300 के रेजिस्टेंस से अब नीचे थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से फिर भी कॉल क्यों नहीं लेंगे, कॉल इसलिए नहीं लेंगे, उसका कारण है, उसका कारण है यहाँ पे सपोर्ट जो है ना, ये ऊपर आए ये दोनों, उससे पहले हो सकता है कि वॉल्यूम नीचे आ जाए 100% बनाने 200 पे, तो मार्केट 200 की तरफ फिर से चल देगी। अगर ये 100% यहाँ हो जाते हैं तो मार्केट 300 के सपोर्ट से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन अगर ये बढ़ रही थी, अगर ये अभी भी इंक्रीजिंग है, ये दोनों थोड़े डिक्रीजिंग है, तो मार्केट क्या हो सकता है, 250 के सपोर्ट की तरफ आ सकता है, उसको देखेंगे। उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है,
अगर ये इंक्रीज हो रही है, उसके साथ साथ ये इंक्रीज हो रही है 82%, तो मार्केट बेरिश है। अगर ऐसा हो रहा है तो मार्केट बेरिश है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग कॉल नहीं ले सकते हैं। कॉल कहाँ से लेंगे? 350 के रेजिस्टेंस से, 350 के रेजिस्टेंस से ही कॉल लेंगे। अब जो मैं सुबह बोल रहा था कि 350 का रेजिस्टेंस से ही, सॉरी कॉल बोल रहा था, पुट। कॉल कहाँ से लेंगे? तो कॉल लेंगे 250 के सपोर्ट से। पुट कहाँ से लेंगे? तो 350 के रेजिस्टेंस से। 350 के रेजिस्टेंस से ही पुट क्यों बनेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस 400 पे है, वो वीकनेस कहाँ दिखा रहा है? 300 पे। बीच का लेवल कौन सा आता है? 350। यहाँ से सेफ हो जाएगा। तो सुबह सुबह हम लोगों ने 450 के रेजिस्टेंस से पुट लेने की बात की थी वो वाला यही है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा था यहाँ पे, 300 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था। अब देखते हैं 300 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है या नहीं। कैसे पता चलेगा? तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी 100% है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। ओआई देखें तो इंक्रीज हो रहा है, सॉरी ओआई चेंज, ओआई देखें तो वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ ये दिख रहा है कि ओआई एंड ओआई चेंज दोनों ऊपर जा रहे हैं। अगर ये ऊपर जा रहे हैं और उससे पहले नीचे अगर वॉल्यूम आ गया तो हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा 200 पे। मार्केट 250 के लेवल से पहले कॉल बाइंग का अलाउ नहीं कर रहा है। कंफर्म कैसे करेंगे? तो कंफर्म करेंगे हम लोग 200 पे परसेंटेज देख के। किसका परसेंटेज देखेंगे? तो वॉल्यूम का, वो अभी भी इंक्रीज हो रहा है। ओआई एंड ओआई चेंज 300 पे जाने की कोशिश कर रहा है और वॉल्यूम 200 पे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि 300 पे सपोर्ट बनेगा या 200 पे सपोर्ट बनेगा। इमेजिन कीजिए ये 100% हो गई तो सपोर्ट हमारा 300 बन जाएगा, लेकिन ये 90% के आसपास रही, उससे पहले ये 100% हो गया तो हमारा सपोर्ट 200 बन जाएगा। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन पहले जाएगा, ये 100% होगा पहले इनमें से कोई एक, या ये पहले 100% हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, दोनों अलग अलग लेवल पे इंक्रीजिंग है। अगर ये नीचे आ गया और ये ऊपर 100% हो गया तो भी हमारा सपोर्ट क्या रहेगा? 300 का ही रहेगा। लेकिन ये 100% नहीं हो पाया, उससे पहले नीचे वाले 100% हो गए तो हमारा सपोर्ट 200 हो जाएगा। इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं। हम लोग वेट कर सकते हैं कि किसी को 100% हो जाने दो, कंफर्म हो जाने दो कि सपोर्ट है कहाँ, बनेगा कहाँ। अभी तो 300 पे दिख रहा है, लेकिन 300 पे ही रहेगा या 200 पे आएगा वो कन्फर्मेशन अभी आई नहीं है। रेजिस्टेंस अभी 400 पे है लेकिन वो 300 पे आने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है कि हाँ ये मैक्स टू मैक्स 400 का है, 400 तक जा सकता है। अगर नीचे की तरफ प्रेशर है तो मार्केट 350 के रेजिस्टेंस तक जा सकता है, जिस बेसिस पे हम लोग 350 के रेजिस्टेंस से पुट के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन 300 के सपोर्ट से कॉल की तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि कौन पहले जाएगा। कैसे पता कर सकते हैं ये जाएगा या ये जाएगा पहले? हमारा सपोर्ट 300 पे बन रहा है, अभी 300 पे है, मतलब 300 पे ही रहेगा या 200 पे आ जाएगा ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से कॉल नहीं लेंगे। लेकिन पुट में तो क्लियर है, मार्केट 300 के रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा सिचुएशन हम लोग 350 का रेजिस्टेंस मैक्स देखते हैं कि वहां तक जाएगी, इसलिए हम लोग 350 के रेजिस्टेंस से पुट का इंतजार कर रहे थे। एक ही कैंडल में ऊपर चली गई, इतना बड़ा मूव कैच करना वो दिख भी नहीं रहा था, ऑप्शन चेन में दिख भी नहीं रहा था कि यहाँ से कॉल ले लो, इसलिए कॉल भी नहीं लेंगे। वेट करेंगे कहाँ तक? 377-375 जो भी लेवल था वहां तक का एग्जैक्टली आई, और हमारी तैयारी पहले से थी, यहाँ से पुट लेना ही था। कहाँ तक के लिए लेना था? तो एटलीस्ट 350 के सपोर्ट तक चाहे, और कुछ लोगों ने तो यहाँ 300 के सपोर्ट तक भी लिया है। मैंने इतना टाइम लगाया कि मैं एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैं लाइव में भी बोल रहा था और ये तुरंत एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो गए थे। यहाँ पे पहले से तैयार रहते हैं तो ले पाते हैं। मैक्स दिख रहा था, मार्केट का टॉप ही दिख रहा था, ये इससे ऊपर नहीं दिख रहा था। अब ये नीचे आ गए, ये वाला टारगेट देखिए, जब कैंडल ही क्लोज करते करते नीचे चली जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी के लेवल के आसपास का ऐसे लगा के होल्ड कर सकते हैं कि जा रहा है, थोड़ा और नीचे चला जाएगा तो क्या चला, क्या अच्छा ही है ना, थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाएगा। और सिचुएशन ऐसा दिख रहा था, चार्ट उल्टा है, चार्ट उल्टा क्या है, कौन सा चार्ट उल्टा है? अब यहाँ पे देखेंगे 11:40 वाली कैंडल। अच्छा ये वाली, अरे समझ गए ना आप लोग, और नहीं पोजीशन उल्टा है, लॉन्ग पोजीशन, इसको भी ब्लू कर देना चाहिए। मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, वो था ना डिक्टेटर मूवी, उसने सबको अलादीन कर दिया था। आप HIV अलादीन है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता ही नहीं चल रहा, वही वाला सिचुएशन हो गया। हम लोग सब कुछ ब्लू कर देते हैं, रेड कैंडल है, ब्लू कैंडल है, प्रॉफिट है लॉस है पता ही नहीं चलेगा। चलिए अब देखते हैं सिचुएशन क्या क्या हो रही है। अब 300 पे सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, तो 300 तक बुक कर लेंगे। अगर 200 पे बन रहा है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, और सॉरी
300 पे सपोर्ट बन रहा है ना, 300 तक का टारगेट रखेंगे, 300 तक का टारगेट यही है, 280 का लेवल। रेजिस्टेंस ऑलरेडी अभी भी 300 पे आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट ने 350 का रेजिस्टेंस का लेवल दिया है, वहां से बाइंग थी पुट की 300 तक के लिए। 300 से अगर फर्दर नीचे डेवलपमेंट हुआ तो और नीचे जा भी सकता है, हमारा टारगेट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे 1155 पे क्या फर्दर डाउन साइड के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1145 1150। अब ऐसा दिख रहा है ना, ये थोड़ा देर पहले ये 100% थे, तीनों 100% थे, अभी एक नीचे वापस चला गया है, लेकिन अभी भी 98% है, ये 85% का 85% है, ये 81% है और ये 83% है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर इसको नीचे जाना है ठीक ना, और इसको भी नीचे जाना है, तभी हमारा सपोर्ट क्या होगा, 200 पे आएगा। अब हम फिर से कॉल की बाइंग कहां से करेंगे, तो 250 के सपोर्ट से बाई करेंगे, क्योंकि वीकनेस यहां पे दिख रही है, 85% खास उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है, 84-85 कब से चला आ रहा है, लेकिन वीकनेस तो है। क्यों है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं, ये भी नीचे जा सकता है, अगर इस पे नहीं रहती ना कोई परसेंटेज तो फिर ये स्ट्रांग रहता, क्यों, क्योंकि ये चला भी गया ना तो ये संभालेगा, लेकिन अभी वॉल्यूम नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, वाई भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग पोजीशन में, बोथ केसेस, मतलब इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे भी मैक्सिमम होता है, ये अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो 200 पे सपोर्ट हो जाएगा, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ आता है तो 200 पे होगा, दोनों नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अवेव जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट नीचे खिसक सकता है। फिर से हम लोग वेट करेंगे कॉल लेने के लिए, कहाँ से, तो 235 के लेवल से, 250 का सपोर्ट का लेवल है, 235, इससे पहले कॉल नहीं ले सकते यहाँ पे। पुट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, अभी भी पुट अगर लेना है ना तो 300 के रेजिस्टेंस से, 300 के रेजिस्टेंस से पुट बन जाएगा, 350 के रेजिस्टेंस तो फिर से सेफ वाला पुट बन जाएगा, 300 के रेजिस्टेंस से भी बन जाएगा, 350 के रेजिस्टेंस से भी बन जाएगा, कॉल 250 के सपोर्ट से ही बनेगा, इस लेवल से कॉल नहीं बनेगा, इस लेवल से पुट नहीं बनेगा, नीचे आई पूरा लेवल को कभी इसने टेस्ट किया नहीं दोबारा, यहां से भी कोई ट्रेड नहीं बनेगा, वैसे ऑप्शन सेट को देखना चाहिए, बहुत देर हो गए हैं, 1:20 के आसपास, 120 पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस आ गया है 300 पे, अब 300 के रेजिस्टेंस से पुट सेफ हो गया, 300 के रेजिस्टेंस से पुट सेफ हो गया, कॉल कहां से सेफ रहेगा, तो 200 के सपोर्ट से या 250 के सपोर्ट से, थोड़ा सा रिस्की रहेगा कॉल, 300 के सपोर्ट से नहीं ले सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, 300 का सपोर्ट या 250 का, और 250 से मार्केट नीचे आ गई तो 200 का भी सपोर्ट बन सकता है, इसलिए 250 के सपोर्ट से थोड़ा रिस्की कॉल, 200 के सपोर्ट से सेफ वाला कॉल। हमारे लिए 330 का लेवल है जहां से पुट बनेगा, और 235 का लेवल है जहां से कॉल बनेगा, अभी मार्केट बीच के लेवल पे चल रही है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से काफी टाइम हो चुके हैं, दोबारा देखते हैं 2:30 पे, इसके बाद से तो देखना नहीं चाहिए। 300 के रेजिस्टेंस से अभी भी पुट बन रहा है, ठीक नहीं, अब क्या हो रहा है ना कि 250 के रेजिस्टेंस से रिस्की वाला पुट भी बन जा रहा है, क्यों बन जा रहा है कि 250 पे अब शिफ्ट हो गई है, प्रॉपर शिफ्ट हो गई है, 97% यहाँ पे वीकनेस है लेकिन वो 100 से डिक्रीज हुई है, तो 250 के रेजिस्टेंस से भी रिस्की वाला पुट कर सकते हैं, जो कि ये 2:40 वाली कैंडल ने दिया था लेवल, तो यहाँ पे एक कर सकते हैं पुट का ट्रेड नीचे तक के लिए, लेकिन ये हमारे टाइम से बाहर की बात है, तो इसको 2:30 के आसपास क्लोज कर देना चाहिए। फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है, पूरा टारगेट आई नहीं, दोबारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई, कब आ गई, तो 2:50 पे अगला कैंडल 3 बजे आ गई, 3 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलने का मौका ये था, ठीक है सर, तो यही था आज का पोस्ट मार्केट। थैंक यू सर जी, थैंक यू।